अब ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, सिंपल सा मैट्रिसेस का क्वेश्चन है। ए मैट्रिक्स अपने को दी हुई है और ए टू द पावर 5 दिया हुआ है और पूछा गया कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। ये ध्यान रखना, फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया, ट्रू नहीं। तो सबसे पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ऐसे केसेस में हम लोग पैटर्न ढूंढने की कोशिश करते हैं ए टू द पावर 5 तक पहुंचने के लिए। तो ए स्क्वायर जरा देखते हैं कितना आ रहा है। तो कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो हो गया ये कॉस 2 थीटा। ठीक, चलो कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, यानी कि कितना हो गया, आयोटा साइन 2 थीटा। ठीक है, चलो फिर सेम लॉजिक से आयोटा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा कितना हो गया, 2 आयोटा साइन थीटा कॉस थीटा, तो आयोटा साइन 2 थीटा। और सिमिलरली लास्ट वाला क्या हो जाएगा, आयोटा साइन थीटा इंटू आयोटा साइन थीटा, आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि माइनस साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो गया, कॉस 2 थीटा। चलो बहुत बढ़िया। उसके बाद अब अगर ध्यान दो तो ये ए मैट्रिक्स है, ये ए स्क्वायर है, बस क्या लग रहा है, हो गया थीटा की जगह 2 थीटा आ गया। ए में यहाँ पर थीटा था, ए स्क्वायर में 2 थीटा है। अब तुम खुद चेक करके देखना कि ए की पावर 4 निकालोगे यानी कि इसका भी स्क्वायर कर दोगे तो यहाँ पर बस थीटा की जगह 2 थीटा की जगह 4 थीटा आ जाएगा, तो ए स्क्वायर में 4 थीटा आ जाएगा। ए क्यूब निकालोगे तो 3 थीटा आ जाएगा, तो यही पैटर्न चलता रहेगा। अपने को पहुंचना है ए की पावर 5, तो अब सिमिलरली हम लोग बोल सकते हैं कि ए टू द पावर 5 में क्या आ जाएगा, बस यहाँ पर 5 थीटा हो जाएगा, तो कॉस 5 थीटा आयोटा साइन 5 थीटा, उसके बाद आयोटा साइन 5 थीटा और कॉस 5 थीटा। और ये किसके बराबर है भाई, ये बराबर है इसके ए बी सी डी के। तो आप कंपेयर कर लो और देख लो कौन सा ऑप्शन क्या है, गलत है ना। ये गलती आई होप नहीं की होगी लोगों ने कि बस पहला चेक किया होगा वो सही आ गया उस पर टिक लगा दिया। हमें सही बताना ही नहीं, हमें गलत वाला बताना है। तो ए आ गया कॉस 5 थीटा, पहला ऑप्शन देखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ए है कॉस 5 थीटा, बी है आयोटा साइन 5 थीटा, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर देखते हैं कितना आ रहा है। तो कॉस स्क्वायर 5 थीटा माइनस आयोटा स्क्वायर साइन स्क्वायर 5 थीटा। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होगा तो वो वाला माइनस, और जो आयोटा स्क्वायर से माइनस आएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 5 थीटा। तो ये तो कितना आ गया, 1 आ गया। तो ये तो सही चीज़ लिखी हुई, हमें तो गलत चीज़ देखनी है। ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर के बारे में देखें अगर, तो ए और डी तो देखो बराबर है, दोनों ही कॉस 5 थीटा के बराबर है, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर कितना आ जाएगा, 0। ये भी सही बात बोल रहा है, तो इसको टिक नहीं करेंगे। ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर 1/2। तो अगर देखो तो ए और सी भी बराबर है, नहीं ए और सी, तो ए की वैल्यू कितनी है कॉस 5 थीटा और सी की कितनी है आयोटा साइन 5 थीटा। तो ये तो सेम वही चीज़ होगी जो यहाँ पर हो रही थी। तो ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कितना आने वाला है, कॉस स्क्वायर 5 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 5 थीटा, कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये क्या बोल रहा है, हाफ। तो यही ऑप्शन गलत है। चलिए, थैंक यू।